हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एन ईवीएस चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड व्हिच इज लेफ्ट राइट तो चैप्टर में नाम से ही पता लग रहा है थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में आपको बताया हुआ है बाकी आप पिक्चर्स देख रहे होंगे थोड़ा सा मैप रीडिंग बताई हुई है किस तरीके से वेरियस सिम्बल्स हम लोग यूज़ करते हैं और बाकी सब चीज़ें तो चैप्टर रीड करके ही पता लगेगा ये फर्स्ट वीडियो ही है चैप्टर की तो आई एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू दिस वीडियो और साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे इसके बाद जो वीडियो आएगी आपकी उसमें वर्कशीट होगी जिसमें तो बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ओकेो इज पिक्चर ऑफ अंड नीचे आपको एक हाथ की पिक्चर दी हुई है प्लेस योर हैंड ऑन इट सो दैट द पार्मेस इज द पेपर इस पर अपना हाथ रखे ताकि आपका पाम आपकी जो हथेली है वो पेपर की तरफ हो योर थम एंड फिंगर्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द ड्रॉ ऑन दोज ड्रॉन इन द पिक्चर दोनों हाथ रख के देखिए पहले लेफ्ट आप स्क्रीन के ऊपर भी वैसे देख सकते हैं लेफ्ट कोशिश करिए लेफ्ट हैंड अगर आप देखेंगे तो नहीं रखा जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड में आपका थम जो है वो इस तरफ आएगा जबकि इसमें जो पिक्चर दी है थम आपका यहाँ आना चाहिए तो कहने का मतलब है ये किस हैंड का ट्रेसिंग है ये राइट right हैंड की ट्रेसिंग है जिस भी बच्चे ने अपना हाथ ट्रेस किया है ओके नेक्स्ट इज द हैंड विच फिट्स ऑन द हैंड ऑफ द पिक्चर इज योर राइट हैंड आपका सीधा हाथ ऊपर वाली पिक्चर के ऊपर फिट होता है येस ऑफकोर्स प्लेस योर अदर हैंड ऑन द पेज ऑफ योर नोटबुक अब अपनी कॉपी लीजिए उस पर अपना राइट हैंड रखिए एंड ट्रेस इट्स आउटलाइन और उसकी आउटलाइन को ट्रेस करिए तो देखिए कुछ इस तरीके की ट्रेसिंग आपकी आएगी दिस आई हैव ट्रेस्ड माय हैंड ओके तो ऐसी ट्रेसिंग आपको आपकी कॉपी में करनी है एंड राइट विद योर अपने राइट right हैंड से लेफ्ट हैंड की द हैंड हुज आउटलाइन यू जस्ट ट्रेस इज योर लेफ्ट लेफ्ट हैंड कहने का मतलब है लेफ्ट और राइट right आपको आपके हैंड्स में पता होना चाहिए कौन सा आपका सीधा हाथ है कौन सा आपका उल्टा हाथ है ये आपका उल्टा हाथ है लेफ्ट साइड दैट इज राइट पुट योर राइट हैंड इन पुट योर पुट योर राइट हैंड आउट पुट योर राइट हैंड इन एंड जस्ट टर्न अराउंड ये तो एक छोटी सी पोयम आपको सॉन्ग दिया हुआ है पुट योर लेफ्ट हैंड इन पुट योर लेफ्ट हैंड आउट अपना लेफ्ट uh, हैंड आगे करिए पीछे करिए ये टीचर आपको करा देंगे क्लास में एक्टिविटी के साथ ये करना होता है सिमिलरली सिंग फॉर द राइट एंड लेफ्ट फुट ऐसे राइट और लेफ्ट फुट के लिए भी गाइए पुट योर लेफ्ट फुट आउट पुट योर लेफ्ट फुट इन एंड इस तरीके से इस पोएम को आगे बढ़ाना है नाउ नाउ लुक इन योर क्लासरूम अपनी क्लास में देखिए एंड टेल और बताइए वॉट इज देयर ऑन योर लेफ्ट आपके लेफ्ट में क्या है लेफ्ट में मान लीजिए वॉल है तो आप दीवार लिख दीजिए वॉट इज़ देयर बिहाइंड यू पीछे क्या है आपके आपके पीछे कोई बच्चा बैठा हुआ है जो भी नाम है उसका मान लीजिए कविता नाम है आप वो लिख दीजिए तो दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ इसमें मैं आपको आंसर्स नहीं बता पाऊंगी आप अगर रूम में अभी बैठे हुए हैं तो देख लीजिए आपके लेफ्ट क्या है राइट right क्या है आगे क्या है पीछे क्या है आपके राइट right में क्या है हु इज़ सिटिंग ऑन योर राइट क्लास में आपके राइट right साइड में कौन बैठा है वॉट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू फ्रंट मतलब होता है सामने हु इज़ राइट ऑफ ऑन हु इज़ राइट यू आर सिटिंग आप किसके राइट right में बैठे हैं दिस इज अ पिक्चर विद रुचिका इन द सेंटर ये पिक्चर है एक रुचिका सेंटर में इन दिस पिक्चर ड्रॉ इस पिक्चर में आपको ड्रॉ करना है अ बुक बिहाइंड रुचिका रुचिरा रुचिरा के पीछे एक बुक ड्रॉ करनी है चलिए देखते हैं ये रुचिरा है ऊपर की तरफ फेस करके बैठी हुई है तो इसके पीछे बुक ड्रॉ करनी है इसका जो लेफ्ट सॉरी बिहाइंड पार्ट है दैट इज दिस तो यहां पर आप एक बुक ड्रॉ कर दीजिए ऐसे ओके चलिए ईवीएस Environmental स्टडीज नेक्स्ट है एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट एक एनिमल ड्रॉ करिए रुचिरा के राइट में तो ये रुचिरा है ये इसका राइट हैंड है जो इसने ऊपर किया हुआ है अभी आप अपनी तरफ से देखिए सेम वही डायरेक्शन है आप भी रुचिरा की तरफ ही फेसिंग है तो राइट हैंड में कोई भी एक एनिमल ड्रॉ कर दीजिए जो भी आपको ड्रॉ करना आता हो ये कोई भी एनिमल हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है ओके नेक्स्ट इज अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट एक चेयर ड्रॉ करिए रुचिरा के लेफ्ट में तो यहाँ पर एक चेयर ड्रॉ कर दीजिए ऑल दो माई ड्राॅइंग इज़ नॉट दैट गुड बट स्टिल एक ऐसी चेयर ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर ओके चलिए नेक्स्ट आपको करना है अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा जो रुचिरा के फ्रंट में एक ट्री तो ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है सामने एक ट्री पीछे एक बुक इधर एक एनिमल और इधर एक चेयर तो दिस बुक यू हैव टू डू इन योर बुक ये काम अपनी बुक में आप कर लीजिएगा गाइड रुचि का फ्रॉम होम टू स्कूल रुचि रुचिरा को गाइड करिए अब उसके घर से स्कूल जाने के लिए फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर स्कूल ढूंढिए पिक्चर में कहाँ है दिखाई दे रहा है येराज स्कूल ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल इसको सर्कल कर दीजिए स्कूल को यहाँ पर नाव विद द कलर्ड पेंसिल कलर्ड पेंसिल से ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू स्कूल रुचिरा के घर से उसके स्कूल का रास्त, के रास्ते को आपको ट्रेस करना है तो ये देखिए ये रुचिरा का घर है ये यहाँ पर रुचिरा है इफ आई कैन जूम आउट उट ओके तो इस तरीके से आप इसको ट्रेस करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे कलर पेंसिल ले लीजिए ऐसे जाएगी ये ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी लाइक दिस एंड देन यहाँ पर स्कूल चली जाएगी ओके okay? इधर रास्ता नहीं है इसलिए इधर से ही जाना पड़ेगा तो इस उसको इस, रास्ते को आप ट्रेस कर दीजिएगा अच्छे से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अच्छा इसी में आगे है ओके दिस इज ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेसिस एंड थिंग्स विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल राइट देयर नेम्स नाम लिखे रुचिरा को जब अपने घर से जाएगी स्कूल तक तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जैसे रुचिरा चलेगी सबसे पहले उसको हाउस मिलेगा एक हैंड पंप मिलेगा एक ट्री मिलेगा आगे वो जाएगी तो एक वेल well कुआ मिलेगा यहाँ पर एक पार्क मिलेगा आगे जाएगी तो बस स्टैंड मिलेगा पोस्ट ऑफिस मिलेगा उसके आगे हॉस्पिटल है उसके आगे एक शॉप है उसके आगे फिर से एक ट्री है एंड फाइनली स्कूल है तो ये सारी चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे रुचिरा के हाउस से सबसे पहले हाउस है एक दूसरा घर है हैंड पंप है, हैंड पंप के बाद ट्री है देन देर इज अ वेल उसके बाद बस स्टॉप है देन देर इज अ हॉस्पिटल उसके बाद शॉप है और स्टार्टिंग में ही पार्क भी था पार्क है एंड फिर से ट्री है और फिर स्कूल है ओके सो दैट्स ऑल ये कुछ चीज़ें हैं जो उसे रास्ते में देखने को मिलेगी विच ऑफ दीज प्लेस एंड थिंग्स विल शी फाइंड ऑन हर राइट एंड विच प्लेसिस ऑन हर लेफ्ट जब वो जा रही होगी कौन कौन सी चीजें उसको राइट में देखने को मिलेगी कौन सी लेफ्ट में देखिए रुचिरा यहाँ से चली यहां से मुड़ी तो फेस इस तरफ है हाउस हैंडप उसके लेफ्ट में है यहां से जब जाएगी ट्री उसके राइट में होगा आप अज्यूम करिए सोचिए आप ही चल रहे हैं फिर आगे यहाँ से जाएगी तो पार्क उसके राइट में है आगे जाएगी वेल राइट में है इधर मुड़ेगी बस स्टॉप लेफ्ट है पोस्ट ऑफिस राइट है हॉस्पिटल लेफ्ट है आगे जाएगी इधर को मुड़ेगी अब शॉप लेफ्ट है ट्री लेफ्ट है ओके okay? तो ऑन राइट राइट में क्या क्या चीजें हमने अभी देखी एक ट्री है शुरू वाला जो ट्री है पार्क राइट right में है वेल well राइट right में है और पोस्ट ऑफिस राइट में है ये चार चीजें तो उसके राइट right हैंड की तरफ है लेफ्ट साइड में क्या है लेफ्ट हैंड की तरफ हाउस है शुरू में जो एक घर है हैंड पंप है देन बस स्टॉप है बस स्टॉप उसके बाद हॉस्पिटल है शॉप है और एक ट्री है जो कि स्कूल के साइड वाला ट्री है हाउस के पास वाला ट्री राइट में है और स्कूल के पास वाला ट्री लेफ्ट में है तो ये चीज़ें आप फिल कर लेंगे अपनी बुक में नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल स्कूल घर से स्कूल जाते टाइम रुचिरा को कितनी बार टर्न लेना पड़ेगा तो सबसे पहले वो सीधी जाएगी पहला टर्न दूसरा टर्न तीसरा टर्न फोर्थ टर्न और यहाँ से फाइनल जब स्कूल की तरफ मुड़ेगी फिफ्थ टर्न तो पांच बार उसको टर्न लेने पड़ेंगे तो इसका आंसर आप लिख देंगे यहां पर फाइव फाइव टाइम्स और नेक्स्ट पेज इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द अर्लियर पिक्चर अगले पेज पे आपको पहले वाली पिक्चर का छोटा सा वर्जन दिया हुआ है इन दिस देर आर सिंबल्स इन प्लेस ऑफ पिक्चर यहां पर पिक्चर की जगह सिंबल यूज किए हुए हैं सच अ पिक्चर इज कॉल्ड मैप ऐसी पिक्चर को हम लोग मैप कहते हैं जिसमें चीजों की पिक्चर की जगह कोई सिंबल यूज किए हुए आइडेंटिफाई द सिंबल्स एंड राइट दम आइडेंटिफाई करिए सिंबल्स को और उनको लिखिए सबसे पहले स्टार पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखते जाइए साथ साथ या फिर नीचे शायद स्पेस दिया हो नहीं है आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिया हुआ है इसमें देखिए ये जो सिंबल है सबसे पहले स्टार के साथ जो घर बना हुआ है ये रुचिरा के हाउस का है क्योंकि यहाँ पर रुचिरा का हाउस था ना स्टार्टिंग में तो ये जो सबसे पहला सिंबल दिया हुआ है ये लिख दीजिए रुचिराज हाउस इसको आप अपनी बुक में लिखते जाइए साथ, साथ ये रुचिरा का घर है नेक्स्ट सेकेंड ये जो सिंबल है ये देखिए सेकेंड वाला यहां पर ये है हाउस का नॉर्मल जो घर था रुचिरा के घर के साइड में ये जो सिंबल है दिस इज दिस सिंबल इज ऑफ ट्री क्योंकि यहां पर पेड़ था हम पीछे देख चुके हैं ये वाला जो सिंबल है नेक्स्ट जो कि लेफ्ट साइड में था दिस वॉज हैंडप ये पंप का सिंबल है पंप। नेक्स्ट ये जो सिंबल है ये पार्क का सिंबल है क्योंकि ये पार्क था हमने देखा था पिछले पिक्चर को बहुत अच्छे से उसके बाद आगे आते हैं ये वाला जो सिंबल है ये वेल का सिंबल है ये लिख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट ये वाला जो सिंबल है दिस वन ये बस स्टॉप का सिंबल है बस स्टॉप आगे आइए ये वाला जो सिंबल है ये ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल है पोस्ट ऑफिस आई सी ई नेक्स्ट ये जो सिंबल है ये हॉस्पिटल का सिंबल है क्योंकि यहां पर हमारी पिक्चर में पहले हॉस्पिटल था उसके बाद दिस सिंबल इज ऑफ शॉप ये शॉप का सिंबल है ये जो सिंबल है ट्री का हम पहले कर चुके ये जो सिंबल है एक स्क्वायर के अंदर क्रॉस ये आपके स्कूल का सिंबल है तो ये सारे सिंबल्स के नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे ओके नेक्स्ट इज कैन यू टेल वाई दीज सिंबल्स आर यूज क्या आप ये बता सकते हैं कि ये सिंबल क्यों यूज किए गए हैं बिकॉज सिंबल्स आर बिकॉज सिंबल्स आर ईजी टू ड्रॉ आपने देखा ना सिम्बल्स लिखेंगे बी ओ एल एस होगा ये सॉरी आर टू ड्रॉ वहां हैंड हैंडप बनाना स्कूल बनाना ये सब बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन इस पिक्चर को अगर आप कहे आपको बनाने को कोई तो आप भी इजीली बना लेंगे देखिए कितना आसान सिंबल है ये ऐसे और इसके अंदर एक स्टार है ना ये भी आप बना लेंगे ये और अंदर क्रॉस तो सिंबल्स को आसान होता है ड्रॉ करना राधा दिन अगर ये पिक्चर कहे तो बहुत मुश्किल होगा वेल नहीं बनेगा है ना बस स्टॉप नहीं बनेगा हॉस्पिटल नहीं बनेगा पार्क की हैंडपम्प की पिक्चर कई बच्चों से नहीं बनेगी तो सिंबल आसान होते हैं ड्रॉ करना इसलिए हम लोग सिंबल को ज्यादा यूज करते हैं गिवन बिलो इज अ लिस्ट नीचे कुछ लिस्ट दी हुई है मेक योर ओन सिम्बल्स अब आप खुद के सिम्बल बनाइए इसमें एंड दीज सिम्बल्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन स्टार्टिंग के जो सिम्बल्स आपको शुरू में दिए थे उनसे ये अलग होने चाहिए रुचिरा के हाउस का सिंबल आप ये बना दीजिए ये जैसे झोपड़ी जैसा जो बनता है ये ये रुचरा के घर का सिंबल है स्कूल का सिंबल आप ऐसे बना दीजिए ऊपर एस लिख दीजिए ये स्कूल का सिंबल है पोस्ट ऑफिस का सिंबल आप ऐसे करके पोस्ट ऑफिस का जो साइन होता है रेड कलर का ऐसे बना दीजिए ट्री का सिंबल आप ऐसे बना दीजिए ये ट्री है हॉस्पिटल का सिंबल आप सिंपल प्लस बना दीजिए बस स्टॉप का सिंबल आप बस जैसा बना दीजिए कुछ है ना ये बस स्टॉप का सिंबल हो गया ऐसे कुछ सिंबल्स आप अपनी तरफ से भी कुछ भी बना सकते हैं वेल का सिंबल आप ऐसे बना दीजिए ये वेल होगा शॉप का सिंबल आप ऐसे बना दीजिए और इसके ऊपर एस लिख दीजिए शॉप गेट का सिंबल आप ऐसे बना दीजिए गेट नेक्स्ट हाउस का सिंबल तो हम पहले भी देख चुके हैं हाउस का सिंबल ये हो जाएगा आपका ये हाउस है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव सीन दैट प्लस साइन इज फॉर हॉस्पिटल इन द पिक्चर पिक्चर में प्लस साइन हॉस्पिटल के लिए विद द हेल्प ऑफ द साइन इवन विदाउट रीडिंग इस साइन के साथ तो हमें ये बिना पढ़े भी पता है कि हॉस्पिटल का साइन है क्योंकि आपने जनरली देखा भी होगा प्लस हॉस्पिटल या फिर एम्बुलेंस के ऊपर ही बना होता है विच अदर साइंस कैन यू सी इन द नेबरहुड आपको आपके नेबरहुड में और कौन से कौन साइन से दिखाई देते हैं ड्रॉ देम एंड राइट वॉट द इंडिकेट एक तो सिंबल आपने अगर आप बनाना चाहो तो ये देखा होगा ज़रूर ऐसे एक सर्कल होता है उसमें एक सिगरेट बनी होती है जिसमें से स्मोक निकल रहा होता है और यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा होता है इसका मतलब होता है नो स्मोकिंग मतलब वहाँ पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते आपने स्कूल्स में किसी ऑफिस में ऐसा ज़रूर देखा होगा एक सिम्बल होता है ऐसे नीचे एक प्लेट जैसा होता है ऐसे और ऊपर एक कप बना होता है इसका मतलब है कप होता है ऐसे इसका मतलब है ये एक कॉफ़ी शॉप है कॉफ़ी शॉप के बाहर ये सिंबल होता है जनरली उसके बाद एक आपने देखा होगा ऐसे एक फॉक होती है वैसे मेरी भी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है और यहाँ पर एक ऐसे नाइफ जैसा बना होता है इसका मतलब है कि या ये एक रेस्टोरेंट है ये रेस्टोरेंट का साइन होता है अगर किसी भी बिल्डिंग के बाहर आपको ऐसा सिंबल दिखता है ऊपर एक फॉक बनी हुई और नीचे तो मतलब कि वहाँ पर खाने की चीज़ आपको मिल जाएगी इसका मतलब कॉफ़ी शॉप होता है नेक्स्ट एक आपने येलो कलर का बोन जरूर देखा होगा ऐसे एक स्कल होता है हाउ टू मेक इट ऐसे एक स्कल बना होता है यहां पर और यहां पर कुछ बोन्स निकली होती है इसका मतलब है खतरा है ना ये खतरे का सिंबल होता है डेंजर डेंजर नेक्स्ट एक बहुत कॉमन सिंबल है दैट इज सर्कल करके यहाँ पर पी लिखा होता है या फिर सर्कल करके पी और फिर काटा हुआ होता है पी लिखा है इसका मतलब पार्किंग यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और अगर ये लिखा है तो इसका मतलब होता है नो पार्किंग यहाँ पर आपको कुछ भी पार्क नहीं करना है नेक्स्ट एक आपने ये सिंबल कॉमनली uh, जहां पर राउंड अबाउट्स हैं वहां पर देखा होगा कि इस तरीके का एक सिंबल होता है ऐसे एक ये होगा और यहां पर ऐसे साइन बना होगा सर्कुलर जो जो कि राउंड अबाउट गोल चक्कर जिसे आप कहते हैं वहां पर यह सिंबल होता है जो बताता है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है दिस इज राउंड अबाउट ओके ए बी ओ यू टी और रोड पे तो आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे एक ऐसा भी होता है इसका मतलब होता है यहाँ पे यू टर्न लेना है ऐसे है तो उसका मतलब यू टर्न नहीं लेना है तो ये कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जो कि आपको देखने को रोड के ऊपर मिल जाते हैं तो इनको आप अपनी बुक में बना सकते हैं ये एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं आपसे अ लिस्ट ऑफ सिम्बल्स यूज इन द मैप इज गिवन लुक केयरफुली एंड राइट यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स दिए हुए ध्यान से देखिए और इनके आंसर्स आपको देने हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्रीज हाउसेज आर देयर इन द मैप हाउ मेनी शॉप्स आर देयर हाउ मेनी ट्रीज आर देयर कितने हैं हैं हाउ कितने shops है? कितने शॉप्स ट्रीज हैं तो हाउस का सिंबल ये है कितने हाउसेज हैं देखिए पिक्चर में वन टू थ्री फोर सो फोर हाउसेज शॉप्स शॉप का सिंबल ये देखिए ये रहा जो कि एक ही दिख रहा है यहाँ पर और एक ही शॉप है पूरे इसमें नेक्स्ट ट्री ट्री का तो सिंबल अलग से दिख जाएगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव ट्रीज हैं तो इसमें आप आंसर्स लिख लीजिए ये फोर हाउसेज हैं वन शॉप है एंड फाइव ट्रीज हैं अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पंप्स आर देयर पंप कितने हैं पंप का सिंबल देखेंगे सबसे पहले हैंड पंप का सिंबल ये है एक ही हैंड पंप है यहाँ पर आई थिंक यस एक ही है तो आंसर हो जाएगा एक वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और द हॉस्पिटल स्कूल जो है वो पोस्ट ऑफिस के पास में है या फिर हॉस्पिटल के पास में है चलिए स्कूल देखते हैं पहले स्कूल का सिंबल ये है क्रॉस वाला दिस वन ओके हॉस्पिटल का सिंबल तो आप जानते हैं प्लस और पोस्ट ऑफिस का सिंबल ये है तो ये पोस्ट ऑफिस के तो बहुत पास में है लेकिन हॉस्पिटल से तो काफ़ी दूर है आप डिस्टेंस देखिए दोनों की कितनी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है वॉट विच कलर टू चूज यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा और ये डिस्टेंस कम है तो कहने का मतलब है आंसर होगा पोस्ट ऑफिस जो स्कूल है आपका वो पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा पास में है विच इज़ नियर टू वॉट इज़ नियर टू बस स्टॉप बस स्टॉप के पास में क्या है बस स्टॉप का सिम्बल ये है आपका बस स्टॉप देखिए कहाँ पर है पहले तो ये रहा और बस स्टॉप के सबसे पास में है हैंड पंप या फिर स्कूल भी कह लेकिन स्कूल थोड़ा रोड क्रॉस करके है यहाँ पर आप हैंड पंप ही लिखेंगे व्हाट इज नियर टू बस स्टॉप हैंड पंप नेक्स्ट इज हैंड हैंडप विद विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल कुड यू हैव रीड द मैप क्या बिना सिंबल के आप इस मैप को पढ़ पाते बिल्कुल भी नहीं हमें पता ही नहीं लगता कौन सा सिंबल किसका है राइट सेम सिंबल्स हियर दैट यू हैव लर्न इन मैथमेटिक्स कुछ सिंबल्स लिखिए जो आपने मैथ्स में पढ़े हैं मैथ के कुछ सिंबल्स हैं प्लस या पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का सिंबल आपने ये पढ़ा है परसेंटेज का सिंबल आपने ये पढ़ा है देन ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल आपने पढ़ा है डिग्री का सिंबल आपने पढ़ा है है ना तो जो सिंबल आपने पढ़े हैं उनको लिख दीजिए नाम भी लिख देना ये एडिशन का सिंबल है ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है सब ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल और देखिए इसी वजह से मैथ्स इजी हो जाते नहीं तो बार बार लिखना पड़ता मल्टीप्लीकेशन यानी ये तो बहुत मुश्किल होता ये डिवीज़न है डिवीज़न ये परसेंटेज है परसेंटेज यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन जो भी आप बनाना जाए ये ग्रेटर देन का सिंबल है ग्रेटर लेस देन ओके लेस देन शो प्लेसेज विच कम ऑन योर वे फ्रॉम स्कूल स्कूल से घर जाते टाइम आपके रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर होपफुल क्लियर होगा आपको सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और जल्दी इसकी वर्कशीट भी आ जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे मैप्स हम लोग रीड करना सिखाएंगे भी सो वेट फॉर दोज वीडियोज टू कम एंड थैंक्स अगेन